आईडी कार्ड यहाँ से लेंगे। सो गाइस बाण गंगा में जाके माता दी तो माता रानी साथ दे। माता ने पहली बार बुला ही लिया अपने दरबार में। धीरे धीरे चलना, तेज मत भागना। भैरव जी का पीछा कर रही थी ना, तो माता रानी यहाँ पे रुकी थी। गाइस देखिए, तो आप है ना भावुक मत होइएगा और बोलो सारे बोलो माता की। मिल सामने है अर्धकुंवारी। इसकी हालत देखो। सुजय माता, दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं जम्मू के कटरा में और आज हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। अपनी यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं और हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से जम्मू आने, दिल्ली से वैष्णो देवी आने में कितना खर्चा आता है और कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, सारी उसकी सारी डिटेल्स आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे पहले जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं फटाफट से और हम अपनी यात्रा जो है नाइट में स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम अभी आफ्टर में आके पहुंचे थे, तो इसीलिए अब हम नाइट से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जय माता दी दोस्तों। तो गाइस सामने है निहारिका कॉम्प्लेक्स और ये बिल्कुल वहाँ से आपकी एंट्री होगी और जस्ट सामने ही आपको पूरा बस स्टैंड मिल जाएगा। अगर आपको कटरा में घूमने के लिए किसी अदर एरिया में जाना भी है ना, तो आपको ये सारी बसें जो यहाँ से मिल जाएंगी। सो सामने है आशीर्वाद भवन, यहाँ पर आपको अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है तो आप ऑफलाइन बुकिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। 150 रुपीज चार्ज है यहाँ पर एक बेड का पर डे। सामने ही वैष्णो देवी आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको ब्लैंकेट और आपको लॉकर रूम मिल जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, बस आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना होता है। सामने ही काउंटर है और ये पूरा है भवन, आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स है ये। और इसमें ना पर यात्री 150 रुपये यहाँ पर चार्ज लगता है और आपको इजीली एक बेड इस तरीके से मिल जाएगा और आप आराम से यहाँ पर सो सकते हैं दर्शन करने के आने के बाद। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। और यहाँ पर आपको लॉकर भी मिल जाएंगे जिसमें आप अपना सामान रख के भी जा सकते हैं ट्रैकिंग के वक्त। और बस अड्डे पे आने के बाद ही ना हम आ गए हैं अपनी यात्रा की टिकट लेने के लिए। और यात्रा की टिकट जो है RFID कार्ड वो हमें यहाँ से मिलेगा। चलिए आईडी कार्ड लेने के लिए जा रहे हैं बस। तो यहाँ से हम अपना कार्ड लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ना RFID कार्ड के लिए आधार कार्ड वैलिड है, तो पहले आधार कार्ड हमको इनको दिखाना पड़ता है। इस तरीके से आपकी फ़ोटो क्लिक होएगी पहले। सो गाइज वैसे आप आधार कार्ड अपना रखिएगा, लेकिन मेरे से तो आधार कार्ड नहीं मांगा, सिर्फ नाम पूछा और ये मेरा RFID कार्ड दे दिया है। चलिए चलते हैं अपनी यात्रा की ओर। रात की यात्रा करने में मज़ा आएगा, वैसे हमने दिन का सोचा था बट रात का ही हुआ देखिए। सो हमने ये चुनिया लिया जय माता दी वाली, तो कितने भी दे दो इनको चलेगा। तो हमने 10 रुपए की 3 ले लिए। हम 10 की 4 भी ले सकते थे। सो हमने ऑटो कर लिया है, 160 रुपए है। चाहे आप 2 सवारी जाए चाहे 3 सवारी जाए, इनका फिक्स हो रहता है बाणगंगा तक का। तो यहाँ से अगर आपको चुनरी प्रसाद वगैरह लेना हो तो आप ले सकते हो, ऐसे ऊपर भी मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ से हम लोग लाइन में लगेंगे, यहाँ से लाइन में लगते हुए अंदर की तरफ जाएंगे। सामने ही आप देख सकते हैं मन भवन दिखाई दे रहा है, फिस्किंग पॉइंट, और यहाँ से हम अंदर की तरफ एंट्री करने वाले हैं। पहले लगेंगे हम इस वाली लाइन में। चलिए चलते हैं, पहले लाइन में लगते हैं। सो
सो हम बिल्कुल उस टॉप पे जाने वाले हैं गाइस, और पूरी रात हमें चलना है। प्रिया ने ऑलरेडी डंडे ले लिए हैं, प्रिया तैयार, फुल फॉर्म में तैयार है, फुल तैयारी के साथ जा रही है। जय माता दी। लेडीजों की लाइन को तोड़कर आगे कर दिया गया है, अब बेचारे जेंट्स पीछे रह गए हैं। तो यहाँ से लेडीज शो की एंट्री होने वाली है। सो गाइस, सामने से ना आप पूरी चेकिंग वगैरह करवा के आएंगे, उसके बाद आपका बैग वैग चेक होएगा, उसके बाद आपकी एंट्री हो जाएगी अंदर की तरफ यहाँ पे। सो गाइस, मैं तो पहली बार माता वैष्णो देवी के आई हूँ, और फाइनली इतने सालों में मुझे माता ने पहली बार बुला ही लिया अपने दरबार में, पर ये ना बहुत बार आई है यार, सच बता रही हूँ। हर साल आती है ये, हर साल आती है, लेकिन मैं पहली बार आई हूँ, और अब देखियो मैं भी हर साल आऊँगी। माता ने पहली बार बुला लिया है ना, अब आगे भी बुलाते रहेंगे। कहते हैं ना कि यहाँ पर माता वैष्णो देवी के यहाँ पे ना बिना बुलाए कोई भी नहीं आ सकता, जब तक माता नहीं बुलाएगी तब तक हम लोग कोई भी नहीं आ सकता। तो खुशी है इस बात की कि माता ने हमें यहाँ फाइनली बुला लिया है। तो जय माता दी दोस्तों, चलते हैं आगे अपनी यात्रा, करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि भगवान, अगर आप चलने में असमर्थ है तो ही आप खच्चर करें, वरना अगर आप पैदल चल सकते हैं ना, ट्रैकिंग कर सकते हैं, तो खच्चर ना करें। माता वैष्णो देवी के ना आप दर्शन अपने पाँव से चल कर ही जाइए। सो गाइस, अगर आप यहाँ पर घोड़े या खच्चर वगैरह करना चाहते हैं, तो जो घोड़े का चार्ज है, वो घोड़े और खच्चर का चार्ज है, वो है 1250 रुपये, और पूरा भवन तक लेके जाते हैं। अगर आपके बच्चे आ रहे हैं तो बेबी, तो अगर आपको चाहिए तो 540 रुपये चार्ज है इधर प्राइम का, बेस्ट रहने वाला है आपके लोगों के लिए। और अगर आप चलने में असमर्थ है, चढ़ नहीं पा रहे, चढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो खच्चर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। और मैं और प्रिया तो ट्रैकिंग करने वाले हैं, और हम तो पैदल चलकर ही जाएंगे, हम खच्चर वगैरह नहीं करने वाले हैं। सो यहाँ वेटिंग कर रहे हैं लोग, जिनके साथ मेंस आए हुए हैं ना, जेंट्स वगैरह हैं, तो उनकी लंबी लाइन थी थोड़ी, लेडीज जल्दी से अंदर आ चुकी है, और दुकानें मिल जाएंगी अंदर। यहाँ पर फोटो खिंचवा सकते हैं, चलते आगे। सो काफी छोटे छोटे मंदिर भी आपको देखने को मिलने वाले हैं ऑन वे। सो यहाँ पर आप फोटो शूट वगैरह करवा सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे की तरफ। माता दी, तो माता रानी साथ देना। पुराना ट्रैक है ना, न्यू नहीं है। सो खच्चर वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और जो ये वाले होते हैं ना, ये वेट के हिसाब से आपसे पेमेंट लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर पौनी पालकी एंड पिट्ठू प्रीपेड बुकिंग काउंटर है, यहाँ से बुकिंग करवा सकते हैं। चलिए प्राइस बताते हैं आपको, तो यहाँ से भवन भी हिमकोटी तक, तो अगर आपका वेट अप टू 100 kg है तो 3100 रुपये। तो आप ये सामने पूरा आप ये वीडियो पोस्ट करके देख लेना प्राइस। और इसमें आपको GST चार्ज अलग से देना होगा, इंक्लूड नहीं है। तो पहले आप यहाँ से बुकिंग करवाएंगे, उसके बाद यहाँ से ही आपको आपकी सवारी मिल जाएगी जो भी आप करेंगे। चलिए इन्हें भी दिखाते हैं आपको। ओहो राजा बाबू, मेरा मानना दोस्तों ऐसा है कि अच्छे खासे चल सकते हैं, तो इनको खच्चर नहीं करना चाहिए था, लेकिन मर्जी है, अपनी अपनी श्रद्धा है। चलो चलते आगे हम भी।
गाइस RFID कार्ड भी ले लिया है, डंडे भी ले लिए हैं और हम फुल तैयारी में हैं। अब हम अपनी यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं। माता रानी हिम्मत देना, मेरा तो पहला टाइम है। मैं तो हमेशा आती लेकिन फिर भी अभी साथ देना मेरी माता। जय माता दी। तो हम टहलते आ गए तुलसी भोजनालय और यहाँ पर है बाणगंगा। चलिए बाणगंगा की तरफ चलते हैं। सो बाणगंगा में आरती हो रही है। तो दोस्तों अभी मैं खड़ी हुई हूँ माता वैष्णो देवी मंदिर में और यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाणगंगा की तरफ। और कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर बाणगंगा में माता ने अपने केस धोए थे और साथ ही में ही जब माता रानी ने एक बाण से बाणगंगा बना दी थी और हनुमान जी की प्यास बुझी थी यहाँ से, तो तब से इस जगह का नाम बाणगंगा पड़ गया है। तो चले चलते हैं आगे। जय माता दी दोस्तों। सो दोस्तों अगर आप बाणगंगा में आ रहे हैं स्नान करने के लिए या हाथ मुंह वगैरह धोने के लिए, तो यहाँ पे आप पहले हाथ मुंह वगैरह धोएंगे। और सामने ही देख सकते हैं लेडीज चेंजिंग रूम और घाट बना रखा है, तो आप वहाँ जाकर चेंज वगैरह कर सकते हैं। औरतों के लिए सुविधा रखी गई है काफ़ी। और ये रहा सामने बाणगंगा। तो अब सब लोग जो है बाणगंगा में नहाने के लिए उतर रहे हैं दोस्तों। तो कई लोग जो होते हैं ना कि नहा के नहीं आते हैं, तो वो यहाँ पे आके स्नान कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप आरती खत्म होते ही लोग जो है स्नान करने निकल पड़े हैं। वो लेडीज को देखिए, वो नहाने के लिए गई है। तो सब लोग अब बाणगंगा की तरफ जा चुके हैं। बाणगंगा में जाके थोड़ा सा छींटे वगैरह मार के अपने ऊपर बहुत अच्छा लगा और पानी बहुत ठंडा था यार, इतना साफ पानी, मज़ा आ गया सच में। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर आप आ रहे हैं, अगर आप स्नान करके बाहर से नहीं आते हैं, तो आप यहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर चेंजिंग रूम वगैरह सब आपको मिल जाएंगे। और मैं तो स्नान करके आई हूँ, तो इसीलिए मैं स्नान नहीं करूँगी। वैसे भी यार बहुत ठंड है, मैं नहीं कर सकती। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो गाइस बाणगंगा के दर्शन करने के बाद सामने आपको प्राचीन मंदिर बाणगंगा का भी देखने को मिलेगा। सो दोस्तों अभी तो हमने सिर्फ 2 किलोमीटर ही यात्रा संपन्न करी है और अभी से थोड़ी थोड़ी थकावट फील हो रही है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि बिल्कुल धीरे धीरे चलना, तेज मत भागना, आराम से यात्रा हो जाएगी। बिल्कुल स्लोली स्लोली चलना और साथ में ही पानी पीते रहना और एक एक घूंट ही पीना, जिससे आपकी शक्ति बनी रहे और चलते रहिए। टॉफियां रख लेना, टॉफियां चूसते हुए चलना, तो इससे आप इजीली आप ट्रैकिंग कर पाएंगे। और बिल्कुल पहले बार बार आपको बता रही हूँ कि बहुत स्लोली स्लोली ट्रैकिंग करना, इजीली आपकी ट्रैकिंग कंप्लीट हो जाएगी। बाकी हमारे साथ माता वैष्णो का आशीर्वाद है ही, तो चलिए चलते हैं। आपको ट्रैकिंग पे ना बहुत सारे ऐसे मंदिर देखने को मिलेंगे। चलिए जय माता दी। सो गाइस वैसे ना दिल्ली से जम्मू आने के 3 वे हैं,
बाय ट्रेन, बाय बस एंड बाय एरोप्लेन। तो दोस्तों आपको जो सूटेबल हो आप उससे आइए। मैं तो ट्रेन से आई थी, ना मेरे आने का टाइम फिक्स था ना जाने का टाइम फिक्स है, फिर भी माता रानी ने हमें बुला लिया है, चले चलते हैं। तो दोस्तों ट्रैकिंग करते वक्त आपको काफ़ी सारे मेडिकल यूनिट देखने को मिलेंगे जो कि 24 घंटे खुले रहते हैं। तो और टॉयलेट आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे ट्रैकिंग के वक्त। हमने पुराना वे चूज़ किया है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो इसलिए मैंने पुराना वे ही चूज़ किया था। अब जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो जो नया वे बना है उससे आऊँगी। सो गाइज आपको ना ट्रैकिंग के वक्त हर जगह आपको दुकानें ही दुकानें देखने को मिलेगी और आपकी ट्रैकिंग कैसे हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बस अपनी बॉडी हाइड्रेट रखना, स्लोली स्लोली ट्रैकिंग करना, घूट घूट करके पानी पीना, जय माता दी बोलते चलना, एनर्जी अपने आप मिलती जाएगी आप लोगों को। सो गाइस सामने आ चुके हैं हम, पहुंच चुके हैं प्रथम मंदिर श्री चरण पादुका मंदिर। और सामने आप देख सकते हैं चरण पादुका है माता के। और कहा जाता है दोस्तों कि जब माता रानी भैरव जी का पीछा कर रही थी ना तो माता रानी यहाँ पर रुकी थी, और जब वो आगे बढ़ी थी तो उनके जो पांव थे पादुका थे उनके चिन्ह यहाँ पर बन गए थे। तो आज भी वो चिन्ह यहाँ पर स्थित है मंदिर के अंदर, तो आप चाहो तो आप अंदर जाके दर्शन भी कर सकते हैं। चलिए जय माता दी। हमने 7 बजे अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की थी और टाइम बज हो गया है अब 9:30, और 2.5 घंटा हमें ट्रैकिंग करते हुए हो गया है, जिसमें हमने बाढ़ गंगा और चरण पादुका पार कर लिया है। बढ़ते जा रहे हैं आगे की तरफ, देखते हैं कितनी ट्रैकिंग बची है। अभी तो बहुत ट्रैकिंग है यार, बहुत, रात भर हमें ट्रैकिंग ही करनी है। तो माता रानी का नाम लेते जाओ, ट्रैकिंग करते जाओ, ट्रैकिंग पूरी कम्प्लीट हो जाएगी। गाइस देखिए कटरा का व्यू देखिए नीचे से, ये है कटरा का नाइट व्यू। सो गाइस मेरा भाई मुझे छेड़ रहा है, कह रहा है लहंगा हाथ में आ गया चढ़ाई करते करते, लेकिन मैं अपने भाई को बोल रही हूँ जब सर पे हाथ हो जब माता का तो डर की क्या है बात। जय माता दी। जोर से बोलो, सारे बोलो मिलकर बोलो, जोर से बोलो, मैं नहीं सुनिया, जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो हम यहाँ पर रुक गए हैं और यहाँ पे हम पानी की बोतल लेंगे और एक थोड़ा सा ड्रिंक लेंगे कोई, जिससे हम दो दो बाइट मारेंगे फिर निकल पड़ेंगे। सुखा इस जगह जगह ना आपको स्टेयर्स भी देखने को मिलेंगी और ट्रैकिंग भी है, तो आप है ना भावुक मत होइएगा और स्टेयर्स मत चढ़िएगा, ट्रैक वाले वे में ही जाइएगा, इससे आप कम थकेंगे। अगर आप स्टेयर्स चढ़ गए ना तो आपके घुटने बोल जाएंगे। सो गाइस जा रहे हैं अर्थ कुमारी की तरफ और बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं,
लेकिन रेस्ट नहीं करेंगे अब, क्योंकि एक जगह मैं गलती इस करके, क्योंकि प्रिया थोड़ी देर बैठ गई थी 5 मिनट, तो वो बहुत बड़ी गलती करी हमने बैठ के, क्योंकि जो फ्लो था वो कम हो गया हमारा और हम थकावट फील होने लग गई है हमें। तो अच्छा रहेगा कि आप ज़्यादा देर ना बैठे, अगर आप ज़्यादा देर बैठेंगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स फील करने लग जाएगी, और जब बॉडी रिलैक्स फील करेगी तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी थकने लग जाएगी। तो अच्छा होगा कि आप कम बैठे, ज़्यादा मत ना बैठे, और टाइम टू टाइम टॉफ़ी चॉकलेट्स पानी पी लेते रहे, अपनी बॉडी हाइड्रेट करते रहे। चलिए चलते हैं। सो गाइज, अर्थ कुमारी के पास हम आ चुके हैं और यहाँ पर वेटिंग हॉल है, तो यहाँ पे कई लोग जो है सो रहे हैं ऑलरेडी, अंदर तो जगह है ही नहीं, तो आप चाहो तो आप यहाँ पर भी विश्राम कर सकते हैं, हमें तो चढ़ना है बस। चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ। हम रेस्ट करने वालों में से नहीं है, हम चलते रहेंगे और सुबह 4 बजे माता के दर्शन करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे आपको डिस्पेंसरी भी देखने को मिलेगी अर्थ कुमारी पे आके, और अर्थ कुमारी के पास ही आपको डिस्पेंसरी, केमिस्ट शॉप वगैरह बहुत सारे मिलेंगे। ये सामने डिस्पेंसरी रही अर्थ कुमारी में। तो अर्थ कुमारी पे आते ही कबसरी मार्केट शॉप भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये भोजनालय मिलेगा, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको खाना मिल जाएगा। सो अर्धकुंवारी पे आते ही देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे लोग रेस्ट भी कर रहे हैं, और सामने है भगवती भवन, उधर भी लोगों ने रूम रेंट पे ले रखे हैं, तो वहाँ पे भी वो स्टे करते हैं। सो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है रात के 12, और देख सकते हैं लोग काफ़ी सारे लोग हैं रेस्ट कर रहे हैं, और कई लोग जो है ऊपर से दर्शन करके आ चुके हैं माता के, और सिर्फ और सिर्फ ये गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि सब वेटिंग के लिए है। तो यहाँ पर ना आपको कंबल वगैरह जो है वो रेंट पर भी मिल जाते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, बस आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना होता है 100 रुपये। सो दोस्तों, सामने है अर्धकुंवारी मंदिर, और यहाँ पर अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो पहले आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और फिर आपको वेटिंग मिल जाएगी। तो वेटिंग आपकी कल की या कल इवनिंग तक की ऐसे मिलेगी। तो कई लोग जो ऐसे हैं यहाँ पे जो वेटिंग में है और दर्शन के लिए यहीं सो गए हैं, ऊपर से माता के दर्शन के करके आ चुके हैं। तो दोस्तों, चरण पादुका के बाद हम पहुँच गए अर्धकुंवारी, और अगर आप यहाँ के भी दर्शन करना चाहते हैं तो भवन में जाने से पहले आप यहाँ पर अर्धकुंवारी में रजिस्ट्रेशन करवा के जाइएगा, इसमें आपको वेटिंग मिल जाएगी। तो वेटिंग आपकी नेक्स्ट डे की ही मिलेगी, तो उससे पहले आप पूरा ऊपर भवन घूमी आना, और भवन के दर्शन कर आना, और भैरव जी के दर्शन करके आ जाना, फिर दोबारा आप यहाँ पे ट्राई करना कि आपकी वेटिंग जो है कंप्लीट हुई है नहीं हुई है। अगर नहीं कंफर्म हुई है तो आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, जो अर्धकुंवारी है उसे गर्भजून भी कहा जाता है कि यहाँ माता रानी ने 9 महीने तप किया था, और कहते हैं ना कि जिस तरीके से एक बच्चा अपनी माता के कोख में 9 महीने बिताता है, उसी तरीके से इस भवन के अंदर भी दोस्तों इंसान जो है एक ही बार दर्शन के लिए जा सकता है, दोबारा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, जय माता दी, चलते हैं आगे, आपको और इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो दोस्तों, अर्धकुंवारी के जस्ट बगल में से ही ये सामने ये गुफा दिखाई दे रही है, भवन जाने का रास्ता है, तो हम यहाँ की तरफ जाएंगे, भवन की तरफ जाएंगे। तो ये जो रास्ता है ये पुराना वे ही जा रहा है, हमने पुराना वे ही कंटिन्यू रखा है। चले चलते हैं भवन की तरफ। सो दोस्तों, अब हम भवन की तरफ जा रहे हैं इस गुफा में से। सो अर्धकुंवारी से हम निकल के भवन की तरफ चल पड़े हैं, और टाइम हो रहा है 12:30, और सब लोग, कई लोग जो है वो सो रहे हैं, अंधेरा गुप्त हो चुका है। सो गाइस, जो आप ये ट्रैक देख रहे हैं ना,
ये हमने न्यू ट्रैक ले लिया है जो कि पुराने ट्रैक से 500 मीटर कम है, और यहाँ आपको काफ़ी साफ़ सफाई देखने को मिलेगी, प्लस यहाँ पर आपको घोड़े खच्चर ये सब भी देखने को नहीं मिलेगी, भीड़ भी कम मिलेगी, तो इसलिए हमने ये रास्ता जो है मर्ज कर लिया है, तो हम न्यू वे पे चल रहे हैं, चलते हैं। चलिए गाइस देखिए कितना मोटा नेवला चला गया। तो दोस्तों न्यू वे पे भी आपको काफी सारे भोजनालय देखने को मिलेंगे, पानी वॉशरूम की सुविधा मिलेगी, और सबसे अच्छी बात मुझे न्यू वे पे ये लगी कि बहुत ही शांति और सुकून का वे है दोस्तों। ये यहाँ ना आपको बंदर बहुत सारे देखने को मिलेंगे जो कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस आपके हाथ में जो खाने पीने की चीज होगी उसे आपसे छीन लेंगे। सो काफी लोग है जो रात में ट्रैकिंग कर रहे हैं न्यू वे से भी। हमारी यात्रा सफल होने वाली है, सामने ही भवन है और सिर्फ 1.5 किलोमीटर रह गया है भवन, तो रात के 2 बज चुके हैं। सामने भवन दिखाई दे रहा है और 1 किलोमीटर ही बताया जा रहा है इतनी देर से, अब वो समझ नहीं आ रहा है कि 1 किलोमीटर कब खत्म होएगा। सो अब हम इतनी हाइट पर आ गए हैं ना, भवन ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, और देख सकते हैं पानी कितना सारा गिर रहा है, एक ठंडा मौसम, दूसरा बिल्कुल हम आसमान के पास ही है। मॉर्निंग होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती, लेकिन रात में थोड़ा नहीं दिख पाएगा क्योंकि 3 बज चुके हैं। चलिए देख सकते हैं पहाड़ों ने कैसे घेरा हुआ है ये। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्वती भवन है जो अभी प्रिपेयर हो रहा है, और अभी से ही लोगों ने कब्जे जमा लिए यहाँ पे, सब सो रहे हैं देख सकते हैं, और बिल्कुल हम भवन के पास पहुँच ही गए हैं, बस लास्ट चेकिंग आपकी यहाँ पर होगी। तो अब लग रहा है कि हाँ हम भवन तक पहुँचने ही वाले हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत आ रही है, और वरना यार हिम्मत तो खैर नहीं टूटी थी, चलते जा रहे थे हम। चलिए चलते हैं भवन तक, लेके चलते हैं आपको, दर्शन करवाते हैं आप लोगों के भी अपने साथ साथ, जिसे कहते हैं डिजिटल दर्शन करवाएंगे आपको। सो फाइनली अब लग रहा है कि हम पहुंचने ही वाले हैं। सो दोस्तों यात्री रोप वे के लिए जरूर सूचना, और दोस्तों ये भैरव जी के लिए रोप वे लगा रखा है यहाँ पर, तो यहाँ से जाएंगे, और प्रत्येक जो व्यक्ति है वो 100 रुपीज चार्ज है रोप वे का, और 3 वर्ष से अधिक बच्चे का पूरा टिकट लगेगा, तो यहाँ से हम रोप वे के लिए जा सकते हैं। अगर आप भैरव जी की चढ़ाई करना चाहते हैं तो आप रोप वे ले सकते हैं। सामने आ गया ये बैंड शॉप प्रसाद, और इधर से हम प्रसाद ले सकते हैं, चलिए प्रसाद लेते हैं इधर से हम भी। यहाँ पर भी विद नारियल 100 और बैंड विदाउट नारियल 50 रुपये। तो हमने 100-100 वाले प्रसाद लिए और चढ़ावा औरों का भी था, तो औरों का भी प्रसाद लिए, चले चलते हैं। तो इस वाले जो ट्रैक पे ना काफ़ी ज़्यादा शू रैक भी बना रखे हैं, पर हम आगे रखेंगे शू, और इसमें लिखा है कि यहाँ पे बैठना और सोना मना है क्योंकि भवन बिल्कुल नज़दीक है। तो यहाँ पर आपको बाथिंग घाट भी मिल जाएगा, स्नान करने के लिए घाट। तो यहाँ से हमें लॉकर रूम नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ से हमें जाना पड़ेगा, आप इस तरफ मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पर कोई लॉकर रूम आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, लॉकर रूम यहीं अवेलेबल है बस। तो काफ़ी नीचे जाके लॉकर रूम मिलेंगे हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल स्मार्ट वॉच लेदर आइटम्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द केव, यानी कि गुफा के अंदर ये सब सामान अलाउड नहीं है, तो सब आपको लॉकर में रखना पड़ेगा। यहाँ से हमें अब लॉकर फ्री सर्विस मिलेगी, लॉकर की यहाँ से लॉकर फ्री सर्विस है, तो लॉकर स्पेस बहुत बड़े बड़े हैं, ताला वगैरह सब, ये सब फ्री सेवा है, और यहीं पे अपना आप स्मार्ट वॉचेस बैग फ़ोन वोन सब यहीं जमा हो जाएगा। तो दोस्तों भवन के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हम पिंडी रूप के दर्शन आपको करवा देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम दर्शन करके आते हैं, हमने शूज़ और बैग वगैरह हम सब रख देते हैं, इन इवन हमारा जो हमारी स्मार्ट वॉच है वो भी अंदर रखी जाएगी,
चलिए मिलते हैं आपसे दर्शन के बाद। अभी और रात हो चुकी है। तो यहाँ पर से लॉकर से सामान लेने का रास्ता है। हमें इस दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए हैं और अंदर फोन वगैरह अलाउ नहीं था ले जाना, और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। अब हम जाएंगे भैरव जी के दर्शन करने के लिए। चलिए चलते हैं भैरव जी के दर्शन करते हैं। इसकी हालत देखो। हमने लिए है दर्शन करने के बाद दो चाय और बिस्किट। इसके बाद हम जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने। सो दोस्तों, वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हम चढ़ पड़े हैं भैरव जी के दर्शन करने के लिए। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। भैरव घाटी 2 किलोमीटर बची है, लेकिन यार 2 किलोमीटर आत्मा बाहर आ रही है, पर कोई नहीं, चलते हैं भाई, दर्शन तो पूरे करने ही हैं। सो गाइस, भैरव जी की चढ़ाई जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और खड़ी चढ़ाई है, जिसमें से हम अभी तक 200 स्टेयर्स चढ़ चुके हैं, बाकी ट्रैक ले रखा है हमने और अभी तक भी हम पहुँचे नहीं हैं। 4:30 हमारे माता वैष्णो देवी के दर्शन हो गए थे, उसके बाद हम आधा घंटा रेस्ट कर लिया, उसके बाद हम 4:00 के निकले हुए हैं दर्शन करने के लिए, और अब 6:00 गए हैं सुबह के। बहुत खड़ी चढ़ाई है यार। रोप वे जो है वो सिर्फ डे में चलता है, नाइट में वो बंद रहता है, तो इसीलिए हम पैदल पैदल ही जा रहे हैं। कोई नहीं, जय भैरव बाबा की, भैरव बाबा खींचेंगे हमें ऊपर, कोई बात नहीं। बुजुर्ग लोगों को देखकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि यार जब ये चढ़ सकते हैं तो हम भी चढ़ सकते हैं। सो फाइनली भैरव जी हम पहुंच चुके हैं। सिर्फ 100 मीटर की डिस्टेंस पर भैरव जी देखने को मिलेगा। चलिए ये 100 मीटर भी पार करते हैं। सामने से आपको मिलेगा भैरव जी का प्रसाद, जो कि 50 रुपये का है, और 20 रुपये में ब्रेसलेट मिलेगा 3, और सामने से आपको प्रसाद मिल जाएगा। तो हमने प्रसाद ले लिया है, चलिए चलते हैं। हाँ चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ, पहले भैरव जी के दर्शन करके आते हैं। सो गाइस, व्यू देख सकते हैं और नीचे की तरफ देख सकते हैं हेलीपैड है, तो आप हेलीपैड के थ्रू भी यहाँ पे आ सकते हैं और व्यू देख सकते हैं। क्या व्यू है, एक नंबर। तो सामने भैरव जी का मंदिर है और 7:00 खुलता है। ओ भाई, क्या हो गया, बंदर। अरे भाई, ये बंदर तो भाई आतंक मचा देते हैं, आतंक। फुल फॉर्म में नीचे जाना, मुझे ऐसे डर नहीं, मुझे बेड चाहिए अभी। जस्ट सामने ही भैरव बाबा है, तो यहीं से दर्शन कर लीजिए बस। तो दोस्तों, भैरव जी के हमारे दर्शन हो गए हैं, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जय भैरवनाथ। भैरव जी में भीड़ देख सकते हैं, कितनी भीड़ आई आ चुकी है अब तक दर्शन करने के लिए।
सामने वो आप कटरा देख सकते हैं, सामने वैष्णो देवी का भवन है और हम ऊपर ऊंचाई पे खड़े हुए हैं जहाँ से बिल्कुल व्यू एक नंबर आता है। सामने कितने सारे लंगूर है देख सकते हैं। सो दोस्तों ये था मेरा वैष्णो देवी माता का व्लॉग। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आपने अच्छे से दर्शन भी किए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं दोबारा से किसी नए सफ़र में। देखते रहिए DLRV व्लॉग। सो बाय दोस्तों।